जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों इस समय इलेक्शन हो चुके हैं 2024 के, तो इस समय एक न्यूज वायरल हो रही थी, एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी, उसमें कुछ बातें थी। जैसा कि आपने हमारे पीछे बैकग्राउंड में देखा होगा, यही न्यूज मैंने लगा रखी है। तो साथियों, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने जिस दिन यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम रद्द हो गया था दोस्तों, तो बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने उसी दिन से लेकर के जी जान लगा के तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, यानी कि उन्होंने सोचा होगा कि क्या होगा हमारा। तो दोस्तों, अभी दोनों व्यक्तियों के पास, दोनों तरीके के बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका है, यानी कि जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है ही है। इसके अलावा जिन दोस्तों ने तैयारी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, तो दोस्तों अभी भी बहुत अच्छा समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, तैयारी सब करते हैं, युद्ध में जीत उसी की होती है जो अंतिम समय में अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है। दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई बच्चा या कोई भी साथी आपका साल भर से पढ़ रहा है, और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि किसने 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू की है। दोस्तों, आज भी, आज से यदि आप तैयारी शुरू करोगे तो यूपी पुलिस का इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, ना इतना बड़ा कोई ज़्यादा कठिन एग्जाम होने वाला है। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है। यदि अभी जब से हमारी वीडियो अपलोड होगी या जब से आप हमें सुन रहे हो, तब से लेकर के और एग्जाम तक, यदि आपके पास दोस्तों अगर 1.5 महीने का भी समय मिल रहा है ना, तो इनफ, मोर देन इनफ। क्योंकि दोस्तों, युद्ध में वही जीतेगा जो तैयारी को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखेगा और बार बार रिवाइज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएगा। तो दोस्तों, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, और तैयारी को, अगर जिनकी तैयारी में स्पीड कम है तो थोड़ी स्पीड को बढ़ा दो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या जो बच्चे लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते दोस्तों, वो अपने घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई नहीं है दोस्तों। और हमारे चैनल के द्वारा यदि आप हमसे जुड़े हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ की प्लेलिस्ट, रीजनिंग की प्लेलिस्ट और हिंदी की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। GS में मैं ही कराता हूँ दोस्तों। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी होगा कि हमारा समय कम बचा, तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जैसे ही डेट कंफर्म हो जाती है, मैं मैराथन लेके आने वाले हैं, यानी कि एक ही क्लास में पॉलिटी खत्म, GS खत्म, और ऐसी कोशिश करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैराथन आएगी, रीजनिंग की मैराथन आएगी दोस्तों, हिंदी की मैराथन आएगी। तो आप यदि 15 दिन भी तैयारी शिद्दत से कर लोगे और 10 दिन आप टेस्ट लगा लोगे, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यूपी पुलिस के री एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि यदि मैं बात करूं, अभी एक न्यूज आई है, उस न्यूज में यह बात बोली है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी ट्वीट किया था, उन्होंने ये बोला है कि जितनी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी इलेक्शन की वजह से, उनको दोबारा चालू किया जाए, उनके लिए आयोग बनाए जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि वर्तमान सरकार, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वो भर्तियों को लेकर के बहुत चौकन्ना है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, जितना समय है उसमें बेहतर करिए और बेटर, और कोशिश करिए कि किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो हमने आपको नंबर दे रखा है, आप 1-to-1 हमसे बात भी कर सकते हो, सब्जेक्ट को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, अपने डाउट को लेकर के। तो दोस्तों, ये न्यूज में आई थी, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बेचैन है, और इन्होंने नोटिफिकेशन में यह बोला है कि जल्द ही जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, ये अनुमान जताया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में दोस्तों डेट आ सकती है। और दोस्तों, जुलाई में अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, रिवीजन करिए, मॉक दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए दोस्तों। अब जो 43 लाख युवा थे, उनके लिए अब ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि, डेट नज़दीक आ रही है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोर्स, ज़्यादा यूट्यूब चैनल, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक किसी को माध्यम बना लो और एग्जाम दो, आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा। हम आपके साथ हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और उसके साथ भी हम आपके साथ
पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात आपके लिए लगेंगे दोस्तों। बस आपको जितना हम कंटेंट देता जाएं उतनी चीज़ आप करते जाइए, फिर देखिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों आप खुद आकर के हमारी वीडियो पर कमेंट करोगे कि सर मज़ा आ गया। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। जय हिंद।